क्योंकि हमने अच्छे वाले चावल नहीं लिए, क्योंकि वो तो ज्यादा महंगे थे, तो हमने जो जो थोड़े पैसे के होते हैं वही हमने चावल मैं खरीदे। जब चावल खरीदने गया था तो मैंने 10 रुपए का अचार भी लिया था, वो भी अभी साथ मिलकर खाएंगे। करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फलों करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अम्मी भी सलाम करेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आप जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फातिमा ने जैसे कहा है, आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो बाहर काफ़ी सुबह को ज़्यादा सर्दी थी, कुछ ज़्यादा धुंध भी था, और अभी तो आज तो धूप भी नहीं निकली हुई क्योंकि धुंध के बादल बन चुके हैं, जो दूर दूर तक धुंध नज़र आ रहा है। और शुएब बेटा भी साथ में। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो अभी तो धूप नहीं निकली, बादल काफ़ी सारे आए हुए हैं। हाँ, तो अभी हम चलते हैं किचन में। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बाहर का भी लोग काफ़ी सारा धुंध आया हुआ है। तो अभी तो बहुत ही नज़दीक था तो अभी तो भाग गया है, तो काफ़ी सारे बादल भी आए हुए हैं, अभी तो धूप नहीं निकली। तो चलते हैं किचन में। तो अभी हम किचन में पहुंच चुके हैं, तो अम्मी अभी प्याज काट रही है, तो सारा सामान भी अम्मी ने निकाल के रखा हुआ है। हाँ, टमाटर वगैरह भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं और आलू भी, और साथ में वो हरी मिर्चें भी मैंने निकाल के रखी हुई हैं। तो जैसे ही मैं प्याज काट लूँ तो आग भी जलाते हैं, क्योंकि अभी ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, धूप तो निकलती भी नहीं। कल तो फिर भी धूप कुछ निकल आई थी, मगर आज तो ज़रा भी धूप नहीं निकली, क्योंकि अभी 2 का टाइम होने वाला है मगर अभी तक धूप नहीं निकली। तो अम्मी ने प्याज भी काट ली है और टमाटर भी, अभी आलू काट रही है। फातिमा आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं आलू चावल, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हाँ, आज हम आलू और चावल बना रहे हैं, क्योंकि फातिमा ना सुबह से यही कह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं हमने आलू और चावल नहीं बनाए। तो वो तो सालन बनाते रहते हैं, तो फातिमा ने कहा है बस आज मुझे आलू और चावल बना के देने हैं। तो हमें फातिमा की बात तो माननी ही पड़ी, तो अभी ना मैं आलू और चावल बना के, क्योंकि चावल ना पहले मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो ये सारा मसाला बना लेती हूँ और आग भी जला लेती हूँ, तो फिर चावल भी बन जाएंगे। अभी मैंने आग भी जला दी है और घी भी इसमें डाल दिया है, तो जैसे ही हमारे प्याज भून हो जाएंगे तो फिर हम ये टमाटर भी डालेंगे और साथ में ये शेब मसाले वाली जो पूजी है वो भी लेकर आया है, और साथ में हरी मिर्ची भी डालेंगे। फातिमा तुम हंस क्यों रही हो? आज खामोश खामोश क्यों बैठी हो? कुछ बोलती भी नहीं, क्या हुआ है? साथ रहना है तो मैं भी कोशिश कर रही। आज भी मैं सबसे पहले सलाम किया था। हाँ, आज भी फातिमा ने सबसे पहले सलाम किया था। फातिमा को ना सर्दी लगी हुई है ना, इसलिए आज थोड़ा खामोश होकर बैठी है। बिना हल्के हल्के प्याज भून हुए हैं, जैसे काफ़ी भून हो जाएंगे तो वो मैंने जहाँ मसाला बना के रखा हुआ है इसमें लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाली हुई है, नमक भी, और मैंने टमाटर भी। तो जैसे ही हमारे प्याज भून हो जाएंगे तो फिर इसमें हम ये डाल देंगे। वैसे शुएब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है आलू वाले चावल, और फातिमा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तो हमारे प्याज भून हो चुके हैं, तो इसमें मैं सारे सारे डाल देती हूँ।
क्योंकि ये काफ़ी जब हमारा मसाला इसको तिरका लग जाएगा तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि आलू ना अभी नहीं डालेंगे, जैसे हम चावल डालेंगे तो फिर आलू डालेंगे इसमें। हम मसाले का तिक्का लग चुके हैं तो अभी इसमें हम जो चावलों वाली पूरी होती है वो ही डालेगी। हाँ, मसाले वाली तो वो भी मैंने डाल दी है। अब ना इसमें मैं आलू डालेगी और इसके भी साथ है। इसमें हम ना जितने हिसाब से हमने चावल भिगोए थे उतने हिसाब से हमने इसमें पानी डालना है। अब जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। तो वैसे आप देख सकते हैं ये हमने चावल पहले भिगो के रखे हुए थे और उसको मैंने अच्छी तरह धो भी लिए हैं। तो ये वो क्योंकि हमने अच्छे वाले चावल नहीं लिए क्योंकि वो तो ज़्यादा महंगे थे, तो हमने जो थोड़े पैसे के होते हैं वही हमने चावल ख़रीद लिए हैं। तो अम्मी को कहा कि फातिमा ने दिल कर रहा था फातिमा का चावल खाने का, तो मैं फातिमा के लिए ले आया हूँ। हमारे पास तो इतनी फुर्सत नहीं थी कि हम अच्छे वाले, हम तो अपनी जुबान में बधाई कहते हैं चावल, वही चावल ले सकें। तो हमने सोचा कि अब दिल कर रहा था खाने का, ना लें तो कुछ और खा लेंगे, तो हमने सोचा कि हम थोड़े पैसों वाले जो ले लेते हैं टोटा चावल, हम तो अपनी जुबान में टोटा चावल कहते हैं। तो अभी हमें इसमें चावल डाल रही है। जैसे ही तैयार हो जाएंगे तो हम इसको अभी दम पर लगाएंगे। हाँ, जैसे ये बन जाएंगे तो फिर सब साथ बैठकर खाएंगे। तो व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं चावलों में थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा है, तो अभी अम्मी चावलों को दम पे लगाएगी। तो बाहर से अभी नीचे देगड़ी को उठा के रख रही है, तो नीचे बाहर से अंगारे देगी क्योंकि पानी जल्दी सूख जाएगा तो चावल बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो सब फैमिली मिलकर हम खाएंगे क्योंकि मेरी बहन है और फातिमा भी, अम्मी भी, अब्बू भी आ जाएंगे, तो हम सब मिलकर खाएंगे। तो अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखना है क्योंकि हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।